कहा जाता है कि यह दुनिया रंग बिरंगी है। कुदरत ने हमें पेड़, फूल, फल, पत्तों, पशु पक्षी आदि चीज़ों के रूप में अनेक रंगों से रूबरू कराया है। लेकिन बेंगलुरु के रहने वाले एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कुदरत के दिए सभी रंगों को त्याग कर केवल लाल और सफ़ेद रंग को ही अपना लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश और मॉडर्न बाबा के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उस इंसान का नाम सेवन राज है। सेवन राज का जन्म नवंबर 1980 में बेंगलोर में हुआ। यह एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कुदरत के दिए सभी रंगों को त्याग करके केवल लाल और सफ़ेद रंगों को ही अपना लिया है और किसी और रंग का उनके जीवन में स्थान नहीं है। वह कहते हैं MGR को फेमस काले चश्मे और सफ़ेद टोपी में पहचाना जाता था। महात्मा गांधी को उनके कानों पर रखे चश्मे, बिना कपड़ों के शरीर और लाठी के साथ पहचाना जाता है। मुझे भी इसी तरह पहचाने जाने के लिए कुछ अलग करना था। आज से 35 साल पहले जब उन्होंने अपना प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू किया तो विज्ञापन की दुनिया का कोई खास अस्तित्व नहीं था। उस समय उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। अपने सभी चीज़ों में उन्होंने लाल और सफ़ेद रंगों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अपनी मोटर बाइक को लाल और सफ़ेद रंगों में पेंट करवा लिया और धीरे धीरे कपड़े भी लाल और सफ़ेद रंगों के ही पहनने लगे। पता नहीं किस बात का क्या असर हुआ, लेकिन सेवन राज का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। तब उन्होंने मन ही मन ये ठान लिया कि वह इन दो रंगों के अलावा किसी और रंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। धीरे धीरे यह लाल और सफ़ेद रंग उनकी क्रेज बन गए। सेवन राज की दुनिया दो रंगों तक ही सिमट कर रह गई। उनके घर का हर कमरा और उसमें रखी हर चीज़ लाल और सफ़ेद रंग का ही है। चादर, पलंग, अलमारियाँ, टाइलें, दीवारों का रंग आदि सब कुछ। यहाँ तक कि टूथपेस्ट, टूथब्रश, पेन, पेंसिल, कपड़े, रसोई का सामान वगैरह वगैरह। लिविंग रूम में एक टीवी और DVD को छोड़कर हर चीज़, चाहे वह सोफ़ा हो, पर्दा हो या कुछ और, सब लाल और सफ़ेद रंग के ही हैं। जानकर चौंक गए ना, भला ऐसा भी होता है क्या? पर उनकी ज़िंदगी में ऐसा ही है। सेवन राज की पत्नी पुष्पा बताती हैं कि यह तो अपने शादी में भी लाल और सफ़ेद रंग के कपड़ों में आए थे। मैंने सोचा शायद शादी के बाद इनमें बदलाव आए, लेकिन इन्होंने तो हमें ही बदल दिया। वह आगे बताती हैं कि उनके कपड़ों के अलावा रुमाल, अंडरवियर, बनियान, बटुआ, बेल्ट वगैरह लाल और सफ़ेद रंग का ही है। सेवन राज कहते हैं कि अब यह रंग उनकी और उनके परिवार की पहचान बन चुके हैं। इन दो रंगों से अब उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। सेवन राज के परिवार में पत्नी पुष्पा के अलावा बेटी मनीषा और बेटा भारत राज हैं। वे सब भी उनके साथ इन दो रंगों को फॉलो करते हैं, इसलिए उनका परिवार बेंगलुरु में रेड एंड वाइट फैमिली के नाम से मशहूर हो गया है। कई बार इन दो रंगों के प्रति उनके दीवानेपन की वजह से लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं, परंतु वे उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करते। उनका कहना है कि वह कभी भी इन दो रंगों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके कारण ही उनके परिवार में और उनके स्वयं की ज़िंदगी में खुशहाली आई है। लाल और सफ़ेद रंग के अलावा एक और चीज़ भी उनकी पहचान है, वह है 7 नंबर। 7 नंबर से विशेष नाता है। उनके पिता ने उनका नाम सेवन राज रखा क्योंकि वह परिवार की 7वीं संतान थे, इसलिए वह 7 नंबर के आसपास ही अपना जीवन गुजारते हैं। वह 7 भाषाएं जानते हैं और बोलते हैं। उनके कोट और शर्ट पर 7 ही बटन होते हैं। इसके अलावा कार के हेडरेस्ट, शर्ट, कोट पर नंबर 7 की एम्ब्रॉयडरी की गई है और उनके ऊपर एक मुकुट प्रतीक बना है जिसके ऊपर 7 ही स्टार हैं, मानो वह उनका लोगो हो। उनका पहला मोबाइल नंबर 007 पर ख़त्म होता था और अब 7777 पर ख़त्म होता है। 7 नंबर के ही लगाव की वजह से उनके मित्र और जान पहचान वाले उन्हें 007 जेम्स बॉन्ड कहकर बुलाते हैं। इस बात से उन्हें बहुत खुशी मिलती है। उन्हें फ़ोन करने पर जब फ़ोन नहीं उठाते तो फ़ोन में सुनाई पड़ता है, जेम्स बॉन्ड अभी व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करें। सेवन राज की लाल और सफ़ेद रंग के प्रयोग की अजीबोगरीब क्रेज और 7 नंबर के ऑब्सेशन ने ही उन्हें लोकल सेलिब्रिटी बना दिया है। लोग उनके घर के बाहर खड़े होकर, जो लाल और सफ़ेद रंगों से प्रयोग के कारण परियों के महल जैसा प्रतीत होता है, फोटो खिंचवाते हैं और वह भी इस बात पर गर्व महसूस करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक में इंटरेस्टिंग नॉलेज चाहिए।
इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।